8.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 20% ऑफ 600 ओके 20% ऑफ 600 मींस 20 इनटू 600 परसेंट का सिंबल हटाएंगे अपॉन 100 लिखेंगे ओके अब यहां पर 0 21 जा 20 25 जा 100 ये 5 से डिवाइड हो जाएगा कितना बचेगा 600 अपॉन 5 अब 600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पंजा 5 और 5 6 जा यहां पर होगा 12 5 जा 60 ठीक है होगा यहां पर 12 120 कितना आंसर आएगा 120 ये हमारा आंसर होगा इसके लिए नेक्स्ट बी पार्ट 4 परसेंट हटाएंगे यहां पर ये होगा 540 अपॉन 100 ठीक है डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ होगा 4 इंटू 54 4 4 जो 16 5 4 जो 20 प्लस 1 21 लीटर ये आंसर होगा हमारा नोट करिए इसको दिख रहा है बेटा इरेज करें धुंधला नहीं दिख रहा है इरेज कर दें नेक्स्ट इसी का ई पार्ट देखते हैं हम लोग बाकी आपको ऐसे ही करना है डी पार्ट देखेंगे ठीक है इसी का डी पार्ट बाकी एक पार्ट और बताएंगे बाकी ये सब आप होमवर्क में करेंगे 6.5% ऑफ 750 केजी ठीक है इसको सॉल्व करेंगे 6.5 इंटू 750 अपॉन 100 ठीक है अब ऊपर से हम डेसिमल हटाएंगे नीचे एक जीरो और बढ़ा देंगे 65 इंटू 750 अपॉन 1000 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा 25 4 जा 100 25 3 जा 75 और ऊपर बचेगा 5 3 जा 15 6 3 जा 18 1 19 अपॉन 4 इसको डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 अब डिवाइड करेंगे 4 से 4 4 जा 16 और यहां पर आपका 3 कैरी होगा 35 हो जाएगा 8 टाइम जाएगा बाकी फिर 3 आएगा तो 7 4 जो 28 4 5 जो 20 ये हमारा आंसर होगा केजी में बस ओवर होने वाली है
ठीक है बेटा, इरेज करें इसको हम। हाँ क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट परसेंट इज, बेटा अभी वीडियो भेजेंगे, व्हाट परसेंट। हाँ बोलो इज, बोलो बेटा। 8.2 तक आएगा एग्जाम में, लास्ट टाइम जितना आपके एग्जाम में आया था हाफ ईयरली में, उसके बाद का, और 8.2 तक आएगा एग्जाम में। ओके हाँ करवाएंगे मंडे से। और रिवीजन, अब बेटा रिवीजन छोटे बच्चों को कराया जाता है, अब आप लोग 6th में आ चुके हैं, रिवीजन अब थोड़ा सिर्फ 80% का ही रिवीजन करवाया जाएगा, 20% रिवीजन नहीं होगा, 20% आपको खुद करना होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आप, हाँ देखिएगा यहाँ पर परसेंट फाइंड करना है ना, 20 ऑफ 250, इसका परसेंट फाइंड करना है, तो 20 × 250/100% फाइंड करना है। एक मिनट, व्हाट परसेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा व्हाट परसेंट बताना है यहाँ पर। ठीक चलो देखते हैं। लेट द परसेंट बी एक्स, माना परसेंट कितना है, एक्स है, लिखेंगे एक्स परसेंट ऑफ 250 इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 250 × x/100 इज इक्वल टू 20। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 20, 100 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और नीचे हम डिवाइड करेंगे 250, तो 0 से 0 कैंसिल, 20 × 20, 24 × 100, तो यहाँ बचेगा 2 × 4, कितना आएगा यहाँ से, 8% आएगा यहाँ से। दिख रहा है बोर्ड? ओके सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, हम वीडियो भेज रहे हैं। नेक्स्ट फाइंड करना है, सेम ऐसे ही फाइंड करना है। लेट द परसेंटेज ऑफ 30 30 kg अब 240 kg बी एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे एक्स परसेंट ऑफ 240 kg इज इक्वल टू 30 kg, ये हो जाएगा 240 × x/100 इज इक्वल टू 30। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, 100 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, × 100/240, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3 = 24,
ये हो जाएगा 100 अपान 8, यहाँ आपका होगा 2 4 25, अब ये हो जाएगा 25/2, ठीक है, परसेंट। एक तो आपका ये आंसर होगा, अगर इसको और डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5%, दोनों में से कोई एक आंसर लिखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा बेटा, दिख नहीं रहा है, कल से मंडे से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा।